मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में नई पहचान मिली। शावकों के जन्म पर क्या बोले सीएम मोहन यादव। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क स्थित 3 शावकों को जन्म दिया है। इस पर मोहन यादव ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने जो चीता प्रोजेक्ट शुरू किया था, आज मैं बताना चाहूंगा कि 3 नन्हे मुन्ने शावकों का जन्म हुआ है। यह एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। जब हमारी पूरी एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था, अब नया अंकुरण फूटा है। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस दिन का स्वप्न देखा था। कूनो को लेकर देखे गए इस सपने के पूरे होने से भी मैं भी रोमांचित और आनंदित हूँ। भविष्य में यह योजना और भी आगे बढ़ेगी। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यादव ने सोशल मीडिया मंच पर यह पोस्ट किया। जंगल में शावकों की आवाज गूंजी, यह जानकारी साझा कर खुशी हो रही है कि कूनो नेशनल पार्क नए सदस्यों का स्वागत कर रहा है। शावकों को नामीबिया से लाई गई मादा चीता आशा ने जन्म दिया है। उन्होंने इस घटनाक्रम को परियोजना चीता की शानदार सफलता करार दिया है, जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थिति की संतुलन बहाल करने के लिए की थी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने चीता प्रोजेक्ट जो चालू किया था, आज का दिन मैं आपको सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो चीता प्रोजेक्ट जो हमारा श्योपुर और कूनो में चालू हुआ था, 3 नए नन्हे मुन्ने शावक आज जन्म हुआ है। और ये हमारी एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। जब हमारे पूरी एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था, अब नया अंकुरण फूटा है और एक तरह से परिस्थिति तंत्र का भी ये अद्भुत एक संतुलन बना है। मैं अपने सभी मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को, सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने स्वप्न देखा था कि हमारी धरती पर चीता पुनः स्थापित हो और वो नए प्रकार से, अब हमने उनको जिस रूप में चीता के लिए एक अभयारण्य बनाया था और उसकी कल्पना को सार्थक होते देख के मैं भी रोमांचित हूँ और अत्यंत आनंद से हूँ। आप सबको आपके माध्यम से भविष्य में हमारी ये परियोजना और आगे बढ़ती जाए, ये कामना के साथ बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।